लखीमपुर खीरी में मचे बवाल को दोहराने की साजिश रची जा रही है। इस बार निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में कई बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय हैं। इनमें बसपा प्रमुख मायावती की रैली भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत लखनऊ से कर सकती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं उनके अनुसार 9 अक्टूबर का दिन योगी के लिए खतरा है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और राज्य पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सचेत हो गई हैं। मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे और रूट को लेकर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन में लोगों को तोड़फोड़ के लिए उकसाने वाले आतंकवादी एवं सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक व कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर चर्चा में है। एक बार फिर उसने 9 अक्टूबर को लखनऊ में लखीमपुर खीरी जैसा बवाल मचाने की बात कही है। पन्नू ने किसानों को मैसेज भेजा है और कहा है कि वे ड्रोन, ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों की मदद से योगी को घेर लें। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों से पन्नू ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को स्वीकार न करें, वो उन्हें दोगुना राशि प्रदान करेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकियों की सूची में शामिल कर रखा है। जानकारी के अनुसार पंजाब में पन्नू की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पन्नू अब भारत का नागरिक नहीं है। इसी के चलते जांच एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती।